अमेठी में भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके विद्युत विभाग की मनमानी इस कोरोना काल में भी थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उपभोक्ताओं से अनगर्ल वसूली करने का मामला प्रकाश में आता है, जिसके बावजूद विभाग के ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसमें आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। और की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर अधिकारी स्वयं भोली भाली जनता एवं उपभोक्ताओं को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला अमेठी कस्बे में स्थापित विद्युत सब स्टेशन का है, जहाँ पर तैनात SDO अमरजीत वर्मा एक उपभोक्ता से पिछले 2 माह पहले अप्रोक्सीमेट बिजली का बिल बताकर 18,000 रूपए ले लेते हैं, जिसके बाद 31 दिसंबर को SDO के द्वारा 2 रसीदें काटी जाती हैं, जिसमें से 1 रसीद 2,000 रूपए की तथा दूसरी रसीद 4,525 रूपए की है। इस प्रकार कुल 6,525 रूपए की रसीद काटी। जब रसीद उपभोक्ता को मिली तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि रसीद पर कुल 9,602 रूपए ही था। इसलिए SDO ने उपभोक्ता से 18,000 वसूल करने का मामला सामने लाया, जिस पर पीड़ित के द्वारा जब शिकायत की गई तब SDO ने कहा कि बाकी का बचा पैसा वापस कर दिया जाएगा, जिसके लिए जब जब उनके पास पीड़ित गया तब तब SDO साहब ने COVID-19 जैसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टरका दिया। पीड़ित 2 महीने से लगातार दौड़ रहा, जिसके बाद भी 2 दिन पहले कुछ पैसा वापस किया गया, लेकिन अभी पूरा पैसा वापस नहीं मिल सका। इसके लिए पीड़ित ने जिले के अधीक्षक अभियंता विद्युत और तहसील के SDM को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। इसी के साथ मीडिया के माध्यम से भी ऐसे घूसखोर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसे अधिकारी बने रहेंगे तब तक जनता का शोषण होता रहेगा। इस पूरे मामले में जब आरोपी SDO से बात करने एवं उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तब उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद बात करने की बात कहकर फोन कर दिया। मेरा नाम गौरेश बहादुर सिंह है। मैं यहाँ पे 31 मार्च को पिछले 31 मार्च को बिल जमा करने के लिए आया था। उर्मिला देवी के नाम से हमारा बिल था और हमने 18,000 रुपये SDO साहब को दिया। उन्होंने कहा कि आप लमसम 18,000 दे दीजिए, जो भी आपका बकाया होगा वापस हो जाएगा, शेष छूट के साथ जमा हो जाएगा बिल। 18,000 हमारे देने के बाद जो है 2 महीने तक वो दौड़ाते रहे, COVID-19 का बहाना करते रहे, कहे कि COVID-19 है, अभी बाद में आ जाइएगा, कल आ जाइएगा। तो उन्होंने 6,525 की टोटल हमें बिल दिया है और शेष बकाया राशि जो है 2 महीने दौड़ाने के बाद लगातार हमने उनसे कॉल करता रहा, कांटेक्ट करता रहा। उसके बाद जो है उन्होंने पिछले मंगलवार को उन्होंने कुछ पैसे वापस किए। शेष अभी कितना बकाया है हमारा उन्होंने बताया भी नहीं अभी तक। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पब्लिक में जाए और इन ऐसे अधिकारियों पर जो रिश्वतखोर हैं इन पर कार्रवाई हो और ये इन पर अंकुश लगे।